हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस को वोट देना मतलब बाबा साहब का अपमान करना। अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल। गहलोत सरकार गरीबों की विरोधी है, मदन दिलावर। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव को लेकर अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन हुआ, जिसमें मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि इस कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ अन्याय किया है, कभी बाबा साहब को आगे नहीं आने दिया। बाबा साहब ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संविधान में प्रावधान बनाए हैं, जिसके कारण आज हम सभी अच्छी स्थिति में हैं। बाकी कांग्रेस ने कभी भी हम लोगों को आगे नहीं आने दिया। कांग्रेस को लगता था ये लोग आगे आ गए तो हमें वोट कौन देगा, इनको तो इसी स्थिति में रखना है। ये सोच कांग्रेस की थी, लेकिन जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अनुसूचित जाति जनजाति का जो विकास हुआ है वो आप सभी जानते हैं। इसलिए हम सभी को कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए। कांग्रेस को वोट देना मतलब बाबा साहब का अपमान करना है। भारतीय जनता पार्टी राजसमंद जिला मीडिया प्रवक्ता अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि ये एससी मोर्चा सम्मेलन में 4 मार्च को राजनगर के अरविंद स्टेडियम में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश की जनता स्वस्थ है तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की वजह से, क्योंकि अगर देश में एक दिन भी सफाई नहीं हुई तो आप सभी जानते हैं कि क्या हो जाएगा। सभी गंदगी के कारण बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए देश की जनता को स्वस्थ रखना बहुत ही बड़ा काम है और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे ऊपर देश की जनता का भार है। आज जो स्थिति हम लोगों की है वो भाजपा की देन है। कांग्रेस ने तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को हमेशा अपना वोट बैंक समझ करके सिर्फ उपयोग किया है। इस कांग्रेस सरकार ने जब तक केंद्र में राज किया है तब तक अनुसूचित जाति व जनजाति पर सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए का फंड खर्च किया, लेकिन इस मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति पर 60,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। इसके साथ ही इस मोदी सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं, उन योजनाओं को राज्य में गहलोत सरकार लागू नहीं होने दे रहे हैं, जिसके कारण हम सभी उन योजनाओं से वंचित हैं जो केंद्र सरकार ने हम लोगों के लिए लागू की है। इसलिए हम सभी को अब ये सोचना होगा कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अभी तक जमीर नहीं बेचा है। हम इस बार भाजपा को अधिक से अधिक वोट देकर के विजय बनाएंगे। पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की ये सोच हमेशा से ही रही है कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग ऊपर उठ जाएंगे तो हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इस भावना के साथ कांग्रेस ने हम लोगों को कभी ऊपर उठने नहीं दिया गया। पूर्व सभापति सुरेश पालीवाल ने कहा कि इस नगर परिषद में जो घोषणा की गई है वो सभी भाजपा के कार्यकाल में पहले से ही प्रस्तावित है, जिनको कांग्रेस अपना नाम दे करके जनता के बीच लाना चाहती है। इस सम्मेलन में संचालन गिरिराज काबरा ने किया व आभार सुखदेव जी ने किया। इस सम्मेलन में संत मांगीलाल, प्रदेश उपाध्यक्ष एससी मोर्चा ओम प्रकाश जेदिया, प्रदेश महामंत्री मुकेश गर्ग, प्रदेश मंत्री शैलेंद्र चौहान, उपचुनाव संयोजक संजय चंदेल, सुखदेव यादव, बंशीलाल सालवी, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित, उपचुनाव प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, मंडल अध्यक्ष सुभाष पालीवाल, गणेश पालीवाल, दिग्विजय सिंह भाटी, मुकेश जोशी, उदयलाल अहीर, परवेश सालवी, मांगीलाल कुमावत, अशोक रांका, महेंद्र टेलर, दीप्ति माहेश्वरी, जगदीश पालीवाल, हरदयलाल चौहान सहित सभी पार्षद, सभी अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।